हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सकें। सो गाइस, आज की जो वीडियो है वो आप लोगों को टाइटल से पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो किस बारे में है, आज की वीडियो मैं किस टॉपिक पर बना रही हूँ। सो सर्दियाँ आ गई हैं और सर्दियों का जो पाकिस्तान में जो होता है वो समर काफ़ी देर तक चलते हैं, जबकि सर्दियाँ जो हैं वो इतनी देर तक नहीं चलती। तो मैं नहीं चाहती कि आप लोग अच्छे मॉइस्चराइज़र को ढूंढते ढूंढते ही पूरी सर्दियों को जो वेस्ट कर दें। तो मैं कुछ ऐसे मॉइस्चराइज़र आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो पहले मैं खुद यूज़ कर चुकी हूं, फिर मैं आप लोगों तक उनका जो रिकमेंडेशन है वो आप लोगों को दे रही हूं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहला जो मॉइस्चराइज़र हमारे पास है वो है बायोकॉस का वाइटनिंग बॉडी लोशन। तो आप लोग देख सकते हैं इसकी जो पैकेजिंग है वो कितनी बड़ी है। आप लोग एक बार इसको बाय कर लेंगे तो ये आपकी पूरी विंटर्स निकाल देगा। ये हाथ पांव और पूरी बॉडी के लिए है, क्योंकि ये बॉडी लोशन है। सो इसकी जो प्राइस है वो है 700 रुपीज़। आप लोग इनकी जो वेबसाइट से इसको ऑर्डर कर सकते हैं। आप बायोकॉस की वेबसाइट पर जाएँ और इसको ऑर्डर करें। सो ये जो है ये मैंने मतलब फ़र्स्ट टाइम ऑर्डर किया है, लेकिन मैं इसको 5-6 दिन से यूज़ कर रही हूँ। तो मैं आप लोगों को बता सकती हूँ कि ये काफ़ी जो है वो बेस्ट मॉइस्चराइज़र है। आप इसको ज़रूर बाय करें, मैं इसको 100/100 रेकमेंड कर रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि ये जो इसका जो टेक्स्चर है वो भी काफ़ी अच्छा है, दूसरे जो लोशन होते हैं वैसा नहीं है। ये काफ़ी मिल्की और क्रीमी इसका जो टेक्स्चर है वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखें, मैंने इसको हैंड पर अप्लाई किया है और ये देखें, ये फ़ौरन ही स्किन में ऑब्जर्व हो जाता है, पता भी नहीं चल रहा कि आपने कुछ लगाया है। और इसकी जो सेकंड अच्छी बात ये है कि इसमें किसी भी तरह की कोई जो हार्म और स्ट्रॉन्ग जो फ्रेग्रेंस होती है वो नहीं है। तो मुझे फ्रेग्रेंस वाले जो लोशन है वो इतने खास पसंद भी नहीं है। इसकी काफ़ी स्मूथ सी एक जो है वो अरोमा है इसका, और वो काफ़ी अच्छा इफेक्ट देते हैं, ना कि आप लोग जैसे दूसरे लोशन लगाते हैं उनमें काफ़ी तेज़ जो उसकी फ्रेग्रेंस होती है। सो मैं इसको जो है वो ज़रूर रेकमेंड करूँगी। ये बायोकॉस का वाइटनिंग बॉडी लोशन है, इसमें वाइटनिंग कॉम्प्लेक्स और विटामिन B3 भी है। सो जो आपकी स्किन की रिपेयरिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, आप लोग इसको ज़रूर बाय करें। और इसकी जो कीमत है वो भी बिल्कुल मुनासिब है, 700 रुपीज़ है, आप लोग इसको बाय कर सकते हैं। तो दूसरा जो लोशन है मेरे पास वो है सैयद गनी का बॉडी लोशन। सो मैं इसको पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ। इसकी जो सबसे एक बुरी बात ये है कि इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो मुझे इतनी कोई खास पसंद नहीं है, जैसे केयर लोशन की होती है जो हम पहले यूज़ करते थे, बिल्कुल वैसे ही इसकी जो फ्रेग्रेंस है। सो इसकी जो पैकेजिंग है वो भी इतनी कोई खास नहीं है। जब मैंने इसको बाय किया था तभी इसका ये कैप टूट गया था, और इनको अपनी पैकेजिंग की तरफ थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। सो वैसे ओवरऑल अगर आपके हैंड बहुत ड्राई हैं, आपकी स्किन मेरी तरफ बहुत ज़्यादा ड्राई है, आपके हाथ पाँव, तो मैं इसको ज़रूर रेकमेंड करूँगी, क्योंकि ये बहुत डीप मॉइस्चराइज आपकी स्किन को करता है। ये थोड़ा ऑयली ऑयली इसका टेक्स्चर होता है, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये मैंने यहाँ पर लगाया है और ये भी बिल्कुल स्मूथली आपकी स्किन के साथ जो है वो अब्जॉर्ब हो जाता है। तो बस मुझे ये लोशन काफ़ी अच्छा लगा और मैं इसको रेकमेंड भी कर रही हूँ, और मैं इसको पहले यूज़ भी कर चुकी हूँ। तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि ये पॉकेट फ्रेंडली भी है। इसकी जस्ट प्राइस जो है 300 रुपीज़ है। आप इसको किसी भी स्टोर से बाय कर सकते हैं, ये लोकली हर स्टोर पर दस्तियाब है। आप इनकी वेबसाइट पर ना भी इसको बाय करें, आप लोग किसी भी स्टोर से इसको बाय कर सकते हैं। तो सैयद गनी की प्रोडक्ट आप लोगों को पता ही है, तो काफ़ी अच्छी होती हैं। सो जो नेक्स्ट मेरे पास है वो है निविया क्रीम। इससे तो आप सब लोग वाकिफ़ ही होंगे, हर घर में ये होता है, हर जो है वो मम्मा, हर किसी की मम्मा ये लगाती हैं, आंटीज़ लगाती हैं, और ये काफ़ी अफोर्डेबल भी है और आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं। 300 रुपीज़ में आप लोगों को हर स्टोर से मिल जाती है, और मैं इसको बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ, इनफैक्ट समर से यूज़ कर रही हूँ। तो ये आप देख सकते हैं अंदर से बिल्कुल खाली हो चुकी है। तो मैंने आपको रिव्यू देने के लिए ये जो पैकेजिंग है लेट की, मेरे पास एक और न्यू वाली भी पड़ी हुई है, ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि ये मैं लगाती हूँ, यूज़ करती हूँ, और ये बिल्कुल जो है वो खाली हो चुकी है। तो मैं इसको फेस पे भी लगाती हूँ। फेस की अगर आप बात करें तो ये फेस के लिए भी बेस्ट मॉइस्चराइज़र है। सो मैं इसको हाईली रिकमेंड करूँगी, आप लोग इसको भी ज़रूर बाय करें। आप लोग अब खुद अपनी स्किन टोन के हिसाब से, मैं आपको बहुत सारे जो मॉइस्चराइज़र है वो बता रही हूँ, तो आप अपनी स्किन टोन के हिसाब से जो आपको अपनी स्किन पर बेहतर लगे आप वही ऑर्डर करें, आप वही यूज़ करें। सो एक ये है। उसके बाद गाइज, मैं ये SB जो है सिंपली ब्यूटी का जो वाइटनिंग क्लिनजिंग लोशन है, इसकी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर जो एक चीज़ है शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि ये आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप लोग कोई भी क्लिनजिंग लोशन यूज़ करना चाहते हैं तो ये बेस्ट है आपकी स्किन के लिए, और ये 1000 की रेंज में आप लोगों को मिल जाता है, और ये बहुत टाइम चलता है। इसकी पैकेजिंग आप लोग देख सकते हैं कि कितनी बड़ी है, और ये आपकी स्किन को काफ़ी स्मूथ कर देता है, आपका मेकअप रिमूव करने के लिए भी बहुत अच्छा है, स्किन को क्लींस करने के लिए भी, और ये डीप जो क्लिनजर है वो है, आपकी स्किन की डीप क्लिनजिंग करते हैं, तो साथ साथ ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करते हैं। मैंने एक चीज़ नोट की है कि आप इसे अपने फेस को क्लींस करेंगे तो साथ साथ आपको एक जो मॉइस्चराइजिंग जो इफेक्ट होता है वो भी नज़र आएगा।
तो आप लोग इसको जो है वो ज़रूर बाय करें। मैं इसको भी आप लोगों को रेकमेंड कर रही हूँ कि आप लोग इसको ज़रूर बाय करें। विंटर्स के लिए ये बेस्ट क्लिनजिंग लोशन है, सो आप लोग इसको भी बाय कर सकते हैं। उसके बाद मेरे पास ये पॉन्ड्स की क्रीम है, इससे भी हर बंदा जो है वो वाकिफ होगा। इसको ये हर घर में यूज़ की जाती है। पॉन्ड्स की बहुत सारी पैकेजिंग होती है बहुत से तरीकों से, लेकिन ये लाइट वेट जो मॉइस्चराइजर है ये है, मुझे वो चिप चिप करने वाले मॉइस्चराइजर अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैंने इसको बाय किया था और मैंने पूरे समर इसको लगाया है। और मैंने इसको और भी जो है वो मंगवा के अभी मैं यूज़ कर रही हूँ। सो मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि ये भी बिल्कुल अंदर से खाली है। सो मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ें यूज़ कर बता रही हूँ जो मैं खुद यूज़ कर चुकी हूँ। आप लोग इनको भी आँख बंद करके यूज़ कर सकते हैं। ये भी आपको 300 रुपीज़ में, 320 में हर शॉप से आपको मिल जाएगी आपको, तो आप इसको बाय कर सकते हैं। उसके बाद जो गाइज मैं ये आप लोगों को, अगर आपकी स्किन पे एक्ने स्पॉट हैं, आपकी स्किन पे पिंपल्स बने थे, फिर इसके निशान आपके फेस पे रह गए हैं, तो मैं ये बायोकोस की जो क्रीम है आप लोगों के ज़रूर रेकमेंड करूँगी। आप इसको ऑर्डर करें। मेरी तो फेस बिल्कुल क्लियर है, आप लोग देख सकते हैं, लेकिन मेरी सिस्टर की स्किन पे काफ़ी स्पॉट थे, उसने यूज़ किया और इसने ये एक और ऑर्डर की है, उसके जो निशान है वो काफ़ी हद तक चले गए हैं। तो आप लोग इस पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप लोग इनकी वेबसाइट पर जाएँ, वहाँ इनकी सारी प्रोडक्ट्स होती हैं, आप लोग वहाँ से ऑर्डर करें। और इनका जो ऑर्डर है वो 3 से 4 डेज़ में पहुँच जाता है। तो उसके बाद जो है ये मेरी जो है ये लास्ट प्रोडक्ट है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये है वीसी, जो टोटल फेयरनेस एडवांस मल्टी विटामिन फेयरनेस बेनिफिट्स देती है आपको। आपने जैसे सुबह को फेस वॉश किया है, आप लोग उसके बाद इसको लगाएं। आप लोग जहाँ जहाँ पे आपके जो नेक पे, अगर आपके कोई ब्लैक नेक हो गई है, हैंड और फीट जो आपके ब्लैक हो गए हैं, तो आप लोग इस पर ज़रूर लगाएं। और आप लोग फिर मुझे बताएं भी आप लोगों को इसका फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ। तो ये भी आप लोगों को मिल जाती है हर स्टोर पे। तो ये एडवांस मल्टी विटामिन्स हैं और ये आपके 5 जो बेनिफिट्स हैं स्किन के वो आपको प्रोवाइड करती है। सो आप लोग इन सब मॉइस्चराइज़र में से जो भी आपको बेस्ट लगे अपनी स्किन के अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हैं। और सबसे एंड पे मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ, ये ग्लो जेनिक की एक जो सीरम है, हाइलुरोनिक एसिड सीरम, आप लोग इसको बिल्कुल बाय ना करें। मैंने इसको यूज़ किया था और मेरी जो स्किन है वो बहुत ख़राब हो गई थी, और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सो